अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चीज़ है और गर्मियां हैं यहाँ पे, तो गर्मियों में बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आइस लॉली बनाएंगे फ्रेश फ्रूट के साथ। तो सबसे पहले हम ऑरेंज जूस निकाल लेते हैं। ऑरेंज, एप्पल, पेयर और मिक्स बेरीज मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो हमने गार्डन में टेबल के ऊपर किया है, तो अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये जूस निकाल लिया है मैंने। ऑरेंज जूस शामिल करेंगे ब्लेंडर में और बेरीज जो हैं फ्रोज़न हैं, तो एक घंटा मैंने पहले इसको फ्रीज़र से निकाल लिया था, तो अभी इसको ऑरेंज जूस में शामिल करेंगे। और ब्लेंड कर लेंगे। और आप इसको बड़ी छाननी में डालकर तो जूस को छान लेंगे। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है ये जूस। ऑरेंज जूस है इसमें और मिक्स बेरीज हैं, तो ये फ्रेश होममेड आइस लॉलीज बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगी। तो अगर आपके बच्चे को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसमें ग्लूकोज शामिल कर लें। तो दूसरी तरफ मैं ये जूसर मशीन में पाइनएप्पल, पेयर और एप्पल इनका जूस निकाल लूँगी। तो दो कलर की हम बनाएंगे, येलो और रेड। तो ये अनानास का जूस और साथ में एप्पल भी। ये ऑनलाइन लिए थे मैंने, प्लास्टिक बैग मिलते हैं जिप लॉक वाले आइस लॉली के लिए, तो शॉप से मुझे नहीं पता कहाँ से मिलते हैं, तो इनको फिल कर लेंगे। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हैं। तो इस तरह से इतना थोड़ा सा गैप छोड़ दें, तो इसमें फिर एयर भर जाती है, तो इतनी इतनी फिल करके आप रखते जाएँ। ये देखें इस तरह से। और ये येलो वाले भी अभी फिल कर लेंगे। इस तरह से इतने इतने फिल करें और जिप लॉक अच्छी तरह से बंद करके, ये देखें ये फ्रीज करने के लिए अभी रेडी हैं आइस लॉलीज। तो बहुत ही मज़ेदार, जूसी, फ्रेश और हेल्थी बच्चों के लिए, बच्चे बहुत ही पसंद शौक से खाते हैं। तो ये फ्रोज़न के बाद हैं, इसको मैंने फ्रीज कर लिया था, ओवरनाइट फ्रीज किया है। तो अभी ये देखें ये रेडी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये देखिए मेरी बच्ची इसे एंजॉय कर रही है गार्डन में। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।